नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। पाकिस्तान ने रिहा किए 172 भारतीय मछुआरे। अमृतसर गुरु नानक देव अस्पताल में स्वाइन फ्लू ने ली 2 और लोगों की जान। दिल्ली जीत के बाद सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए एमपी भगवंत मान। अब खबरें विस्तार से। SC ST कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार वेरका ने सर्किट हाउस में अमृतसर शहर के IAS के और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ पुतली घर में हुए हत्याकांड के बारे में उनके परिवारों को मुआवजा दिलवाने के लिए और हथियारों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने के संबंध में मीटिंग की। इस अवसर पर ADCP केतन पाटिल, SDM राजेश शर्मा, विकास दत्त और बब्बी पहलवान आदि उपस्थित थे। इनको सिविल प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से यदि कोई हेल्प की जा सकती है, इस पे भी हम विचार कर रहे हैं और सीनियर ऑफिसर से सलाह करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी तथ्य आपके सामने लाए जा सकते। हम उसको रिमांड पर लाएंगे थाने पे। उसके ऊपर थाने में 2 पर्चे दर्ज हुए, हम उसको प्रोडक्शन वारंट पर लाएंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में आएगा वो बाद में पता चलेगा जी। देखो जी, हमने विद इन 18-20 आवर्स बंदा अरेस्ट हुआ है और अमृतसर सिटी पुलिस बिल्कुल अलर्ट होके अपनी ड्यूटी कर रही है। हम लोगों की सहायता की अपेक्षा करेंगे। यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है, इमिडिएटली सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन या 100 नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दी जाए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। पुतली घर में लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बारे में कि वो आगे से और ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और क्या क्या सेफगार्ड होने चाहिए, लोगों से इसके बारे में राय ली गई थी और उनके लिए जो लोगों का नुकसान हुआ है उनके बारे में सारी चर्चा जानकारियां मैंने अधिकारियों से ली है और कहा है कि उनको सरकार की ओर से कंपलसेट करना चाहिए और उसके लिए मैंने पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को कहा है कि एक रिपोर्ट तैयार करके इनका जितना भी मुआवजा बनता है वो सरकार दे, इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और आगे से ना हो स्कोटी मैयर। और बाज़ार वालों को कहा है कि वहाँ CCTV कैमरे जो है वो बाज़ार में लगें ताकि ऐसी घटना होती है तो फौरी तौर पर वो लें। और आज सोशल मीडिया का इतना बढ़िया योगदान रहा है, मैं महसूस करता हूँ कि आज जो मुजरिम 24 घंटों में ही पकड़ा गया है, इसका मतलब ये रहता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि वहाँ उस दुकान पे CCTV कैमरा लगा हुआ था तो इसलिए उसकी शक्ल आ गई। इन लोगों ने, पुलिस ने बढ़िया काम किया और ये बहुत चंद घंटों में उसको पकड़ के एक बढ़िया उपलब्धि दिखाई है। पंजाब पुलिस की जो कार्यशैली है वो बढ़िया साबित। स्वाइन फ्लू के कहर ने कल रात 2 और लोगों की जान ले ली। इन दोनों को गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जहां पर एक बार फिर अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही और कुव्यवस्था सामने आई है। दोनों लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों में काफी रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान डॉक्टरों के साथ हाथापाई भी की गई। परिजनों ने मौत के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही और कुव्यवस्था को दोषी ठहराया और डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। मैं कहना चाहना जी, मेरा ब्रदर हरदेव सिंह सीगा, वो ना डॉक्टर नेकी ने अपनी लापरवाही दे नाल उहदी 3 दिनों बाद डेथ करके अपने वेंटीलेटर जिहड़े सीगा उस जगह की लाइट बंद करके 1.5 घंटा लाइट बंद करने बाद 2 मतलब बंदे मारते। साड़ी हुण तुहाडे कोल प्रशासन के कोल सारी यही मंग आ, इस डॉक्टर नूं डिसमिस किया जाए, आने वाले टाइम के जोड़े होर पेशेंट आते उन्होंने बचाया जाए, उन्होंने परिवारों को बचाया जाए। जोड़ा हरदेव सिंह 35 साल का सीते छोटे छोटे 2 बच्चे ने, माँ प्यो ने, वो मेरा छोटा ब्रदर सी। मेरी मंग यह है भी इन बंद डिसमिस किया जाए तो इन्होंने ऐसी सज़ा दी जाए, इन्हों पता लगे NS नेकी तो नाल स्टाफ जो 2-4 बंदे होर भी ने, ऐसे सीनियर डॉक्टर जोड़े ने साडे सानू मतलब जी इन्हें है सीनियर अफसर उन्होंने गाड़ी हाथ जोड़ के बेनती है
इन्हों की कार्रवाई करके इन्हों डिसमिस करता जाए। सुचा सिंह, मेरा नाम सतनाम सिंह, बेटे के नाम सराह तलवंडी साडा पिंड है। तो तीन दिन ढिला रहा जी, वो कल लैके आए हैं, सवेरे मैं लैके गया चंगा पर तोर के लै गया, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, निखाश नहीं, माड़ी साह की प्रॉब्लम, खांसी आँदी है बुखार ही ना। तो हूँ जो मतलब अशामी लाइट गई आ, इन्होंने बथेरा रौला पाया भी लाइट का बंदोबस्त करो या शिफ्ट करो किसी पास, उतों नपी गए बस इनू सह आ जी फलाना आता वा। उन्हें दो मरीज ने जी लगातार दो मिनटों के खत्म कर दते। हाँ जी हैगा, वो मशीन तो है, मशीन बंद हो गई, तो मशीन सह चलन डे। हाँ कुछ ही नहीं गा जी, इतने बड़ा रौला पाया ही, सारे भी मरीज वाले भजे फिरते रहे हैं। ये डॉक्टर की लापरवाही ना हो जी, अगर साढ़ा 30 साल का लड़का वा, ये छोटे छोटे बच्चे है साढ़े, की करे वो कदों मेहनत करे तो कि खाने रोटी, वो डॉक्टर की वजह ने होया वा। हाँ जी कसूरवार जो बत्ती है नहीं, जो बत्ती होंगी तो अगर नहीं तो शिफ्ट करते दूजी जगह, वो कुछ ना कुछ तो वह हल हों। और लगता ही पाया सेगा कि पता नहीं असं उन्होंने कर पावे कि नहीं कर पावे, क्योंकि बहुत लेट रेफर हुए हुए पेशेंट्स। तो पेशेंट्स की एक की डैथ हुई, वो रिश्तेदार इतने ज़्यादा वायलेंट हो गए कि सारे साढ़े डॉक्टर्स से अटैक किया, क्लास फोर्स पैरामेडिकल अटैच जिते असी बैठे हैं, कमरा पहले देखने वाला सेगा, सारा उजाड़िया होया, सारा रिकॉर्ड फाड़िया होया, अलमारियां खोल के उन्होंने रैनसैक कर गए। ये मतलब बहुत ज़्यादा इस वे साढ़े मेरे सारे स्टाफ में पैरामेडिकल डॉक्टर्स में सारे बहुत ज़्यादा रोश है, सब कहते हैं कि असी इस तरह नहीं करनी, जो ये उन्हों की वर्शन है, हम साड़ी वर्शन सुन लो। सब पास्यों चैक्ट, इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो चैक्ट, जेई जेडे इलैक्ट्रिसिटी ऑन ड्यूटी होंगे उन्होंने तो भी चैक्ट, लाइट सारे शहर दी गई तुम्हें पता है, ठीक है। लाइट जाने और जनरेटर शुरू होने दो या तीन मिनट का टाइम लगता है, उतना ही टाइम लग्या, पर वेंटिलेटर नहीं बंद होंगे, जिन्ने टाइम च लाइट जाती है उन्नी देर डॉक्टर्स मैकेनिकल वेंटिलेशन करते रहते हैं, वो करके कुछ नहीं होया। पेशेंट्स बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियस है, और सानू आई मीन सवेर तो ही पता सीगा कि इन्हों का की हो सकता की नहीं हो सकता, असी पूरी कोशिश करते पे हैं अपने वालों। वो तो एक बहाना बन गया कि वो उस वे बाय चांस लाइट चली गई, तो उन्होंने कहा तो लाइट करके होया, लाइट करके कुछ नहीं। पेशेंट जिधर रिश्तेदार सारा तोड़ भन करके गए ने, परसों पहले आप ही चले भी गए साइन करके, इन्ने सीरियस पेशेंट नू लैके लामा करके साइन करके चले गए। उस तो बाद जो शहर सारे पास तो शायद ना हो गई होनी है, किसी होर पास नहीं एडमिट होया होना, वो हालत देख के फिर वापिस आए हैं, और पेशेंट अगे नालों भी माड़ी हालत में। सो पेशेंट्स नूं इत्थे उदों रेफर किया जा रहा जिस वेले पेशेंट्स के बारे टोटल मतलब इररिवर्सिबल स्टेट में पेशेंट्स होंगे ने, उस वेले उन्होंने रेफर किया जाता है, और जो पेशेंट दी आ के इत्थे डिकलेयर करना पैंदा है, तो साढ़े सारे स्टाफ वास्ते सारे डॉक्टर्स वास्ते कि मुसीबत ही बन जाती है। बिल्कुल सही हो रहा जी, बिल्कुल सही हो रहा, डॉक्टर ने कि इत्थे बैठे असीं सारे बैठे एम एस ऑफिस वाले, सारे होने डॉक्टर्स अंदर गए ने, जड़े ऑन ड्यूटी राउंड करन आए हुए थे, सीनियर डॉक्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सारे उस वेले इत्थे सीगे। जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी, हुण तुसीं किदे किदे की एक्सपेक्टेशन, असीं ते अपना आस्पेक्ट देखना ना कि असीं मैडिकली ट्रीट करना है, इस करके असीं अपना मैडिकली अपना जो साडे कोलो हो रहा असीं सब बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। आज पाकिस्तान सरकार की ओर से विभिन्न जेलों में बंद 172 मछुआरों को रिहा कर अटारी सड़क सीमा के रस्ते से वापस भारत भेज दिया गया। भारत आने पर इन मछुआरों के चेहरों पर जहां रौनक थी, तो वहीं पाकिस्तान की जेल में बिताए पलों का दुख भी था। आज वे अपनी सजा पूरी कर वापस लौटे हैं, जिसकी उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने दोनों देशों की सरकारों से अपील की कि दोनों देशों में बंद कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। इस मौके पर एब्रो की ओर से सभी कैदियों का भारत पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। मेरा नाम राजू है सर। हम लोग सर मछली पकड़ते हुए पकड़े गए, हम लोग सर एक साल के बाद घर जा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत खुश है कि आज हमारी गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पाकिस्तान की जेल से रिहा करवाया, और हम बहुत खुश है। आज हमारी बोट सर पकड़ी जाती है, लेकिन जब हम लोग को पकड़ते हैं तब हम लोग को हमारे साथ बहुत बदसलूकी करते हैं, हम लोग को मारते पीटते और ऐसा ही बोलते हैं कि तुम लोग कोई जासूस हो वगैरह, लेकिन सर हम लोग ऐसे आदमी नहीं, हम लोग अपने पेट के लिए उधर जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप भी जो हमारे लिए कुछ कर रहे हो वो भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें उधर से जल्दी रिहा करवाए, क्योंकि सर उधर इतने दिन गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दोनों सरकारों को हम यही करते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रखे, और जो इधर उधर इंडियन जो माहीगीरी हमारे भाई है उनको भी जल्दी रिहा करवा लें, और इधर जो उनके भी पाकिस्तानी जो माहीगीरी भाई वो भी उनको भी जल्दी यहाँ से रिहा कर दे, क्योंकि सर दोनों गरीब हैं, हम लोग में तो कुछ ऐसी बात ही नहीं होती ना। तीन बाबू सोलंकी है, मैं गुजरात में रहने वाला हूँ, और हम समंदर से पकड़े गए थे बॉर्डर से, पाकिस्तानी पोस्ट गार्ड वाले हमको पकड़ के ले गए थे पाकिस्तान की जेल में, और हम एक साल के बाद घर पे जा रहे हैं। लांडी जेल में पकड़े, लांडी जेल में हमको रखा हुआ था,
और भी कई दी पुराने ज़्यादा है जो जिसको 2-3 साल हो गए, सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि उसको भी वहाँ से छुड़ाए, और जो हमारे साथ थे वो भी कट गए, हमारे साथ आए पकड़े गए थे वो। हमको 27 तारीख को तीसरे महीने को हमको पकड़ा था और 28 तारीख को हमको वहाँ पे थाने में डाला था और 29 तारीख को हमको मलीलानी जेल में डाला गया था। लेकिन हम जब उधर गए तो हमको लगा कि यहाँ पे तो कैसा माहौल है कैसा नहीं। फिर 2 दिन के बाद हमको काम वाम करवाया, कुछ खाना पीना भी सही नहीं था, सोने की जगह सही नहीं थी। सर उधर जो भी अभी भी लोग है वो बहुत ही परेशान है और बिल्कुल ही टेंशन में। कोई बंदा बीमार है सर, हमारे सामने 3-4 बंदे मर गए, लेकिन उसका उन लोगों ने कोई भी महसूस नहीं किया कि ये लोग क्या है, क्या कुछ कुछ नहीं। वो लोग जो वहाँ पे है हमारे फंसे हुए, वो हमारे से आगे जो गए थे उन लोगों का भी कहीं का नाम नहीं आया, उन लोगों को भी छुड़वाना चाहिए। और जो यहाँ पे उसके भी माई गिरे उन लोगों को भी यहाँ पे यहाँ से छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ पे जाके हमारे बंदे को छोड़ते नहीं है तो तुम लोगों को हम कैसे छोड़ेंगे, वो लोग कैसे बोलते हैं। सर हम तो घर जा रहे हैं, हमको बहुत ही खुशी है, लेकिन एक समान आप चाहिए तो हमको दुख भी हो रहा है, क्योंकि हमारे जो आगे आए थे जो लोग वहाँ पे वो उसी का किसी का नाम नहीं है, हम लोगों को बहुत ही दुख हो रहा है। मेरे यहाँ तो हुआ सर 11 महीने 16 दिन अभी हुए है तब मैंने हमारे इंडिया पे पाँव रखा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संगरूर सांसद भगवंत मान आज वाहेगुरु का शुक्राना अदा करने के लिए गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने पर आपके कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका तह दिल से स्वागत किया। इसके बाद वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में शीश निवाने के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वाहेगुरु का शुक्राना अदा करने के लिए वे यहाँ आए हैं। दिल्ली में जीत के बाद पहली बार पंजाब में आए और आज दरबार साहब में माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे परमात्मा का कि हमें बल बख्शे, हमें हौसला बख्शे, जो हम ये आजादी की दूसरी जंग लड़ रहे हैं। अभी 65 घंटे भी सरकार बनी हुए नहीं हुए, हमारे पास 5 साल है। हमारी सरकार को घंटों में मत गिनिए प्लीज, जिन्होंने 65 साल कुछ नहीं किया हम उससे उनसे पहले कर देंगे। पंजाब ने तो पहले बहुत मैंडेट बढ़ा दिया था तो पंजाब में ज्यादा खुशी मनाई जा रही। गांव चन्नक्के में ग्राम पंचायत की तरफ से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें द ग्रेट खेली मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर टूर्नामेंट के प्रबंधकों ने उन्हें सरोपा डालकर सम्मानित किया। साइड तो है यार, कल अमृतसर में गोलबाग से श्री बोध उत्सव का भव्य आयोजन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा पंजाब केंद्रीय आर्य सभा रजिस्टर अमृतसर की सभी डीएवी शिक्षण संस्थाएं और आर्य समाज द्वारा शोभा यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मानवीय आर्यन रतन, श्री पूनम सूरी जी, श्री जेपी शूर मंत्री, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा पंजाब आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सरदार पगड़ी हाउस ने उनका स्वागत किया। Thank you.